हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज हम आपके लिए लेके आए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, तो रेलवे ने रोकी नए पदों पर भर्ती, स्टेशनरी उपयोग भी आधा करेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है दोस्तों, इस साल कोरोना संक्रमण कारण रेलवे के जो खर्च उसमें भारी कटौती हुई है यहाँ पे रेलवे का जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले न्यूज़पेपर में आया था, रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू, परीक्षा की तैयारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोरेंडम नंबर 6 है वो भी आ चुका है, उसमें भी बताया गया है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो प्रीबेट है वो कब तक होने वाली है। तो उसके बारे में हम आपको पहले ही अपडेट दे चुके हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को लेकर परेशान है कि सर एग्ज़ाम यहाँ पर कब तक होने वाला है। तो एग्ज़ाम दोस्तों आपका अगर सारी सिचुएशन कंट्रोल में रहती है तो लगभग लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए यहाँ पर, और बाकी जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।